अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुनो रेवा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा रुको रेवा। क्या दिक्कत है आपकी? काहे परेशान कर रहे हैं हमें? नहीं करूंगा परेशान। अब पहले तुम ये बताओ, तुम सबके सामने वहां चुप क्यों रही? बताया क्यों नहीं सबको कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगी? देखो रेवा, ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे दूर जाकर मुझे और श्रुति को करीब ले आओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और श्रुति के लिए मेरे मन में दोस्त की फीलिंग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने जबरदस्ती मुझे और श्रुति को करीब लाने की कोशिश की तो याद रखना, एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो और सबको बता दो कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली। चलो मेरे साथ। आपकी ये जबरदस्ती हमारे साथ नहीं चलेगी, और कल हम तलाक के कागज पर साइन जरूर करेंगे, और आप भी। सुन लिया आपने? अब पीछा छोड़िए हमरा। पीछा छोड़ाना तुम्हें मुझसे? पीछे छोड़ाना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो, भले उसके बाद हम दोनों जिंदगी भर पछताते रहे। अब कल तुम्हारी जिद पूरी होगी। हमरा कहा एक एक शब्द कैसे आपके सीने में कांटे की तरह चुभ रहा होगा। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं सहरी साहब, लेकिन हमरा ये करना भी जरूरी है। आखिर क्या हो गया इस लड़की को? जब तक मुझे ठीक करने में लगी थी तब तक इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, अब अचानक से इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? राज, मानव, मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक हूँ यार। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है क्या कुछ हो गया इतने दिनों में? अरे मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था। मुझे तुषार भाई से पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो गया इस घर में। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे पता नहीं था कि रेवा ही वो लड़की है जिससे तेरी शादी हो चुकी है, और मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या बोल दिया। वो सब छोड़ यार मानव, तुझे पता है अगर रेवा नहीं होती तो आज तेरा भाई तेरे सामने नहीं खड़ा होता। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए, मेरे इतना गलत करने के बावजूद भी उसने अपने पत्नी होने के सारे फर्जों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है। और अब मैं जान गया हूं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी है मेरे भाई, बता दिया है उसे कि सही मायनों में वो ही मेरी लाइफ पार्टनर है। पर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है, वो मुझसे दूर भागे जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं सच में मैं उसे कल खो ना दूं। मुझे पहले से ही पता था कि रेवा कैसी लड़की है, पर तेरे मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिलाया है तो जरूर ये तुम्हारी नियति है। काश ऐसा ही हो मेरे भाई, पर एक बात जान ले, अब अगर रेवा मुझसे दूर चली गई ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा यार। तू ऐसी फालतू बातें मत कर, मुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया है। देखना बहुत जल्द तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है रेवा का ऐसे अचानक तुझसे दूर भागने का क्या कारण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि उसके ऊपर किसी का दबाव हो या उससे घर पर किसी ने कुछ कहा हो। दिग्विजय, रीवा को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसने तलाक का मन बना लिया है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा, पर मुझे लगता है अगर राज और रेवा दोनों में से अगर एक ने भी तलाक के लिए मना किया ना, तो इस अनहोनी को टाला जा सकता है। बेटा, मेरी बात मान, राज से एक बार जाके बात कर, कहीं ऐसा ना हो राज रेवा की जिद देकर पेपर साइन कर दे। उसे समझाना होगा कि रेवा से तलाक लेना सही नहीं होगा। मां, अगर राज मेरी बात सुनता तो मैं उससे बात जरूर करता, मगर आपको तो पता है ना कि मैं उससे कुछ भी कहूंगा वो उसका उल्टा ही करेगा। बेटा, मेरी तसल्ली के लिए ही सही, तू एक बार उससे बात तो कर। कश्मीरा दी, अगर राज ने पापा जी की बात मान ली और पेपर्स भी साइन करने से मना कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। राज के मन में पापा के खिलाफ इतनी नफरत है, वो जो कहेंगे राज उसका उल्टा ही करेगा। परेशान मत हो तुम। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। राज, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, मगर फिर भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। देखो बेटा, रेवा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इस घर से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी इस घर के सारे रिश्ते निभाए हैं। एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद है उसमें। अगर कल तुम वो पेपर साइन करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं यही कहूंगा बेटा कि एक बार और सोच लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आज यहां मुझे रिश्ते बनाने और निभाने का ज्ञान दे रहे हैं। वो जिसने एक भी रिश्ता दिल से नहीं निभाया, जिसने मेरी मां का खून बड़ी बेरहमी से कर दिया, वो आज मुझे अच्छी पत्नी के गुण दिखा रहा है। वाह, आखिर बात क्या है? राज, पापा हैं तेरे? पापा नहीं है ये मेरे, कातिल हैं ये मेरी मां के, कातिल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कानून ने आपको भले ही 20 साल की सजा देकर रिहा कर दिया हो, लेकिन मैं अगले 20 जन्मों तक भी आपको माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आज से 20 साल पहले मैंने जो कहा था, अब भी मैं वही कहूंगा कि मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। मेरा यकीन करो राज, कि जब मैं वहां पहुंचा तब तुम्हारी मां आखिरी सांस ले चुकी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष बताता, बस इसी बात का फायदा उठाकर कश्मीरा ने मुझे फंसा दिया। आज मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। झूठ, 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 झूठ। अरे कभी तो अपने गुनाह कबूल करने की हिम्मत दिखाइए। आखिर कब तक इन झूठों की आड़ में छिपते रहेंगे? झूठ नहीं है ये राज, बल्कि झूठ वो है जिसका पर्दा कश्मीरा ने तुम्हारी आंखों पर डाल रखा है। खैर, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात समझोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। इन सब बातों को छोड़ो राज, मेरी एक ही दरख्वास्त है तुमसे, रेवा को रोक लो, उसे अपने आप से दूर मत जाने दो।
सहरी साहब की माँ की मौत में भी कश्मीरा दी शामिल है। उन्होंने ही अंकल जी को फंसाया है। मतलब सहरी साहब और इस घर को तबाह करने का खेल आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले दंगल प्ले पर टीवी से पहले।